साथ पुलिस की बड़ी कामयाबी, 6 माह बाद हत्या के 3 आरोपियों को धर दबोचा। 1.5 माह की नवजात बच्ची को जलाया था जिंदा, कोरोना संक्रमण के कारण आए पुलिस की गिरफ्त में। जी हाँ, गंजवासों दस ये खबर हमारे पास आ रही है। करीब 6 माह पूर्व नवंबर में पीड़ित सुकमा बाई ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी कि आरोपी संतोष कुशवाहा उसकी पत्नी व बेटा राहुल ने किसी बात को लेकर उसके घर में घुसकर पहले उसके साथ मारपीट की, फिर मिट्टी का तेल डालकर पलंग में आग लगा दी थी, जिसके कारण पलंग पर सो रही 1.5 माह की नवजात बच्ची आग में झुलस गई थी। आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। बाद में उपचार के दौरान नवजात बच्ची के शांत होने के बाद IPC की धारा 302 का भी इजाफा किया गया था। आरोपी तभी से फरार थे जो कि कल उनकी फ़ोन लोकेशन के आधार पर संतोष और उसकी पत्नी को पचमा के पास स्कॉलर पब्लिक स्कूल से धर दबोचा गया था। वहीं आज सुबह संतोष के भाई को भी नए बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आगे की कार्रवाई हेतु के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से LN24 की एक रिपोर्ट। यह दिनांक 1/11/19 की घटना थी, जिसमें फरियादी सुकमा बाई ने रिपोर्ट करी थी कि संतोष उसके गांव के रहने वाला, डिंडोली की रहने वाली है, संतोष कुशवाहा उसकी पत्नी व उसका लड़का राहुल, ये तीनों मिलकर उसके साथ मारपीट करी थी और उसके घर में जाकर उसके घर में पलंग पे आग लगा दी थी, जिसमें पलंग के ऊपर सो रही एक नवजात 1.5 माह की बच्ची वो जल गई थी, जिसपे से आरोपी गण घटना दिनांक से ही फरार हो गए थे, जिनकी तलाश हम लोग हर जगह कर रहे थे, जिसमें फिर कुछ दिनों इलाज के बाद बच्ची ख़त्म हो गई थी, जिसमें कि धारा 302 भी इजाफा की गई थी। उसके बाद आरोपी गण फरार होकर इनका लोकेशन फिर मुंबई भी आया था, जिसके बेसिस पे हमने टीम भी भेजा था, वहाँ से भी नहीं मिले हैं। फिर लगातार ये लोग पुलिस को चकमा देते रहे, फिर लॉकडाउन के चलते इनका रुख विदिशा की ओर हुआ, तो यहाँ पर हमने इन लोगों को दर दबोचा। कल दिनांक को हमने संतोष और उसकी पत्नी मीराबाई को पकड़ा था, आज उसके लड़की को भी हमने उठा लिया गया है, जिनको आज हम पेश करेंगे न्यायालय।